अभिषेक कुमार को आयशा के साथ देख ईशा को हुई पड़ी जलन, छोड़ा समर्थ को और अभिषेक को लेकर बोली बड़ी बात। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ईशा मालविया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ईशा और समर्थ का ब्रेकअप हो गया है और दूसरी तरफ आयशा और अभिषेक का प्यार परवान चढ़ रहा है। दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही कूल लग रही है देखने में। खाली बोतल का एक वीडियो आ चुका है आयशा के साथ अभिषेक का। ये अभिषेक का दूसरा म्यूज़िक वीडियो है, लेकिन इस पर जब मीडिया ने पूछा ईशा से तो ईशा का रिएक्शन कुछ इस तरीके से आया है, जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं अभिषेक के फैंस खुश हो जाएंगे और ईशा को एक बार फिर लग गया है बड़ा झटका। दरअसल अभिषेक और आयशा की जो केमिस्ट्री है वो लोग खूब पसंद कर रहे हैं। अभिषेक और आयशा के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं ये भी कहे जा रहे हैं कि अब अभिषेक जो है वो आयशा के प्यार में पड़ चुके हैं। लेकिन इसी बीच ईशा ने कहीं ना कहीं एक अपना जलन दिखा दिया है। ईशा ने कहा कि ये सॉन्ग मैंने अभी तक नहीं सुना है, लेकिन हाँ, आयशा और अभिषेक जो केमिस्ट्री है वो कैसी है वो तो उन दोनों को ही पता होगा, मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूंगी। ईशा का जाहिर तौर पे एक जो गुस्सा है वो देखने को मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस से निकलने के बाद ईशा को भी पता है कि जो फेम अभिषेक को मिला है वो ही ना ही ईशा को मिला, ना ही समर्थ को मिला, ना ही आयशा खान को मिला है। तो अभिषेक कुमार को एक बड़ी फैन फॉलोइंग, एक बड़ी पॉपुलरिटी और खुद एल्विश यादव के फैंस का भी सपोर्ट है, तो जाहिर तौर पर अभिषेक के पास एक बड़ा लाइमलाइट है। और ईशा जो अभिषेक के साथ म्यूजिक वीडियो करना चाहती हैं, लेकिन अभिषेक अब तक ईशा के साथ एक भी म्यूजिक वीडियो नहीं कर रहे हैं। और यही वो बड़ी वजह है कि ईशा को अभिषेक को खानजादी के साथ देखकर, अभिषेक को आयशा के साथ देखकर सबसे ज़्यादा जलन हो रही है। और दूसरी तरफ अभिषेक को नहीं, ईशा को दूसरा जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो है कि ईशा को समर्थ ने भी अनफॉलो कर दिया है, यानी कि अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पर आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।